जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अर्दी हांडी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। आज हम आपके साथ जिस रेसिपी की वीडियो शेयर करने जा रहे हैं वो बहुत ही स्पाइसी है। चिकन टिक्का बोटी की रेसिपी है, फ्राइड चिकन भी आप इसे बोल सकते हैं जी। ये बहुत ही आसानी से जो है हमने इसे घर में रेडी कर लिया है, तो चलिए इसका प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर जो है 1 किलो हमने चिकन लिया था, चिकन को हमने धो के अच्छी तरह रख लिया था और अब हमने इसके ऊपर 1 चम्मच नमक का लगाया हुआ है और अब हम इसके अंदर जो है 2 जो हमने चम्मच या टेबल स्पून जो है हमने विनीगर के यूज़ करने हैं और इसके साथ ही जो है हम इसके अंदर 1 गिलास जो है वो पानी डाल देंगे और इस वह सिरका नमक और पानी वाले जो चिकन है इसको हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए जो इसी तरह छोड़ देना है। ये लगाने का फ़ायदा ये होगा कि इसमें से चिकन में से कोई स्मेल नहीं आएगी और जब हम इसे बनाएंगे तो ये बहुत ही जूसी सा बनेगा। तो चलिए जी, अब हम अपने चिकन को जो है एक पानी से और धो लेते हैं जी। यहाँ पे जो हमने स्पाइसेस यूज़ किए हैं वो हमने पीसी हुई जो है लाल मिर्च है उसका 1 चम्मच लिया है, 1/2 चम्मच जो हमने चिली फ्लेक्स लिए हैं, 1/2 चम्मच हमने काली मिर्च ली है और जी हमने यहाँ पे जो है चिकन टिक्का मसाला का भी 1/2 चम्मच लिया है और जी हमने 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1 लेमन हम यूज़ करेंगे और जो है हमने 1 चम्मच जो है भुना कुटा ज़ीरा इस्तेमाल किया है, 1/2 चम्मच हल्दी है और 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक इस्तेमाल किया है और 1/3 जो चम्मच है वो हमने पपीता पाउडर लिया है और हमने जिंजर और गार्लिक का जो पेस्ट का जो पाउडर है वो हमने यहाँ पर जो है 1/2 चम्मच इस्तेमाल किया है। यहाँ पे हमने जो है 1/2 कप जो है वो हमने दही इस्तेमाल की है और 1 जो बड़ा चम्मच है वो हम जो है ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। चलिए जी, अब बाउल में इनकी मिक्सिंग करते हैं। तो हमने अपने बाउल के अंदर जो है 1/2 कप हमने जो दही ली हुई थी वो ले ली है और अब हम अपने सारे स्पाइसेस जो है इस दही के अंदर ऐड कर देंगे और हम इन्हें मिक्स करेंगे। चलिए, अब हम इस तरह करते हैं कि हम इसके अंदर अपना ऑयल भी ऐड कर लेते हैं। ये देखिए, जो हमने 1 चम्मच ऑयल लिया था वो भी हमने इसके अंदर जो है ऐड कर दिया है और हम इसे बड़ा अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और इस जो हमने मिक्सर किया रेडी किया है इसकी जी हमने चिकन के ऊपर अच्छी सी हमने इसे कोटिंग कर देनी है, हमने इसे मैरिनेट करना है। आप इसे जो है पूरी रात भी मैरिनेट कर सकते हैं, इसे बना के इस तरह फ्रिज में रख दीजिए और अगले दिन इसे बनाइए। तो हम यहाँ पर इसे जो है तकरीबन 3 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे और उसके बाद हम इसे पकाएँगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे पूरी रात कर लीजिए और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप इसे 2-3 घंटे में ही मैरिनेट करके आप इसे पका सकते हैं। और ये लीजिए, अब हम इसके अंदर जो हमने 1 लेमन यूज़ करना है उसके हमने जो है बीज निकाल लिए हैं और वो हम इसके ऊपर निचोड़ के और इसे दोबारा जो है बड़ी अच्छी सी इसकी मिक्सिंग करेंगे ताकि जो लेमन है वो भी हमारे चिकन के अंदर मसालों के साथ ही जो है मिक्स हो जाए। ये देखिए, अब हम इसे ढक के जो है तकरीबन 3 घंटे के लिए हम इसे रेफ्रिजरेटर में रख देंगे और उसके बाद हम इसकी जो है कुकिंग स्टार्ट करेंगे। जी 3 घंटे हो गए हैं और ये देखिए, अब हमने अपने चिकन को जो है फ्रिज में से निकाल लिया है और हम इसे एक दफ़ा दोबारा ज़रा अच्छा सा हिला लेते हैं ताकि फिर हम इसे अपनी एक कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर इसे डाल के तो फिर हम इसे जो है लो फ्लेम के ऊपर बनाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, बस इसकी मैरिनेशन में टाइम लगा है तो अदरवाइज़ तो ये बहुत जल्दी बन जाएगा। चलिए जी, अब कढ़ाई में इसे सारा जो है डाल लेते हैं। और जो है हमें इसको लो फ्लेम के ऊपर जो है तकरीबन 6 से 7 मिनट तक जो है हम इसे पकाएंगे। हमने इसे ढक के पकाना है जी। 6-7 मिनट हो गए हैं, अब हमने ढक्कन हटाया है तो देखिए चिकन ने जो है अपना पानी छोड़ दिया हुआ है। हालांकि हमने इसके अंदर ज़रा भी पानी नहीं डाला था और ना ही हम डालेंगे क्योंकि ये अपने ही चिकन में से जो पानी निकलेगा उसी के अंदर हम इसे अच्छा सा कुक करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, रमज़ान माशाल्लाह से शुरू होने वाले हैं, आप इसे रमज़ान में बनाइए, वैसे आप बनाइए आपको ये बहुत अच्छे लगेंगे।
बाज़ार की बजाय या इस तरह की चीज़ें आप घर में बना के खाया करें, खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, बहुत अच्छी लगती हैं। बाज़ार वाले तो पता नहीं आजकल किस किस तरह के जो है गोश्त इस्तेमाल करते हैं, तो बेहतर यही है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं आप घर में बनाएं। ये देखिए, अब हमने अपने जो चिकन का है इसका सारा जो है हमने पानी वो ड्राई कर लिया है, और हमने इसे अब थोड़ा सा इसी तरह फ्राई करेंगे। और ये जो है हमारा जो चिकन है माशाल्लाह से ये बिल्कुल अब रेडी हो गया है, और अब हम इसे एक सर्विंग प्लेट में जो है हम इसे निकाल लेंगे। तो जी, आप इसे नान के साथ खाइए, आप इसे सादा खाइए, आपको ये हर तरीके से अच्छा लगेगा। रमज़ान में बनाइए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। और मिलेंगे जी फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।